वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 67 ओके इन एक्सरसाइज नंबर 67 यू हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओके सो इस एक्सरसाइज में जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो आपका बहुत ईजी है सेम एज इट इज़ जैसे हम आज तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं वैसे ही इस चैप्टर में भी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है लेट अस सी द सॉल्यूशन Your first question is exercise 67. First question is add rupees 54.65. ठीक है means 54 rupees 65 पैसे and rupees 27.85 means 27 rupees 85 पैसे. ठीक है तो आपको 54 rupees 65 पैसे और 27 rupees 85 पैसे को क्या कर देना है add कर देना है कैसे ऐड करना है सेम एज इट इज जैसे हम कॉलम में लगाते हैं वैसे पहले हम इसे कॉलम में पुट करेंगे कॉलम में पुट करने के बाद सेम एज इट इज जैसे प्लस कर लेते हैं आपके पास था 54 रुपीज जहां पॉइंट आएगा पॉइंट के नीचे ही आपके पॉइंट रहेंगे और डिजिट के नीचे सेम एज इट इज डिजिट रहेंगे अगर आपका एक्स्ट्रा डिजिट आ रहा है तो आप जहां पर डिजिट नहीं है आप वहां पर जीरो प्लेस कर देंगे ओके यहां पर 54 रुपीज 65 पैसे 27 रुपीज 85 पैसे यहाँ पर हमने ऐड किया 5 5 10 0 1 कैरी ये आ गया हमारा 6 8 10 + 1 15 15 का यहाँ पर 5 आ गया 1 कैरी यहाँ पर आ गया आपका 12 का 2 आ गया 1 कैरी और 5 2 7 + 1 8 8 आ गया आपका जहाँ पर आपका पॉइंट दे रखा है आंसर में भी उसी डिजिट पर आपका जो है पॉइंट भी आ जाएगा डेसिमल भी उसी प्लेस पर आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 73.84 and 84 and 39.76 तो ये भी सेम एज इट इज जैसे अभी हमने कॉलम में पुट किया पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा डिजिट के नीचे डिजिट्स लिखे जाएंगे उसके बाद हमें इसको ऐड कर देना है सेम एज इट इज आज तक जैसे हम ऐड करते हुए आते हैं जैसे ऐड करते हैं एडिशन जैसे होता है वैसे हमें इसको ऐड कर देना है ठीक है अब इसमें जो है कुछ डिफरेंट नहीं है एक ये क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 टर्म्स में दे रखा है तो इसे हम सॉल्व करके आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं सपोज आपका ये क्वेश्चन है लाइक दिस कैसे आपका क्वेश्चन 107 ठीक है 107.40 रुपीज है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है प्लस रुपीज 245.80 ठीक है प्लस रुपीज 68.90 ठीक है ये आपका क्वेश्चन है आपको इसे क्या करना है इसे ऐड करना है ऐड करने में आपको पहले वाला जो पहले आपका दे रखा है 107.40 तो आप ऐसे लगा लेंगे कॉलम में 107.40 प्लस नेक्स्ट आपका 245 वाला है तो 245 बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट रहेगा जहां पॉइंट रहेगा वहां पॉइंट आ जाएगा एंड क्या है आपका 80 ठीक है फिर इसके पास 68 है आपके पास 3 डिजिट नहीं है यहाँ पर 68 है तो 68 हम पीछे लगाएंगे पीछे कॉलम में ठीक है और उसके बाद 90 अब यहाँ पर जो है कोई प्लेस इस प्लेस पर कोई भी डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 पुट कर देंगे अब ये आपका जो प्लस करना होगा वो इजी हो जाएगा और आप इसको प्लस कर लेंगे जैसे प्लस करते हैं ऐसे लाइक दिस ठीक है आप इसे ऐसे प्लस कर लेंगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा ओके अब नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आता है सब्ट्रैक्शन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सब्ट्रैक्शन भी जैसा करते आए अब तक वैसे ही होगा फ्रॉम लिखा है जो बड़ा नंबर है उसे ऊपर ले लेंगे स्मॉल डिजिट को हम नीचे ले लेंगे स्मॉल नंबर को और उसके बाद हम कैरी लेके बरो करके जैसे भी है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ 16 हो जाएगा बरो करेंगे 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा
ऐसे यहाँ पर 12 है, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 13 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये माइनस करके, यहाँ पर हमारा 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारे सब्ट्रैक्शन के भी करने हैं क्वेश्चंस, तो आपको सब्ट्रैक्शन भी इजीली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी एक्सरसाइज में जो है 10th क्वेश्चन है, इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम करना है। तो इस जो एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम है वो भी आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पर ही हैं। जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 10, रोहन बॉट अ बुक फॉर रुपीज 126.50, मतलब 126.50 रुपीज। आ नोटबुक फॉर रुपीज 35.80 पैसा। आ ज्योमेट्री बॉक्स फॉर रुपीज 28.65 पैसे। एंड आ पेंसिल शार्पनर फॉर रुपीज 6.5 पैसे। वॉट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय रोहन। और हमें ये बताना है कि टोटल ये सारी चीजें रोहन ने बॉट की हैं, ये चीजें हम रोहन ने खरीदी हैं, और हमें ये बताना है कि टोटल अमाउंट जो है रोहन ने जो शॉपकीपर का टोटल अमाउंट पेड किया है वो अमाउंट हमें बताना है, ठीक है। तो आपके पास बुक दे रखे हैं 126.50 रुपीज की, नोटबुक 35.80 रुपीज, ज्योमेट्री बॉक्स 28.65 रुपीज, पेंसिल शार्पनर 6.05 रुपीज। अब अमाउंट उसने कितना पेड किया है, तो जितना भी उसने जो जो चीज़ खरीदी है वो सारी चीज़ें हमें क्या कर देना है, जो उसने बाउट किया है वो सब ऐड कर देना है। लाइक दिस हमें ऐड कर देना है, कॉलम में सारी चीज़ें लगाकर हमें ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर जो है वही हमारा जो है उसने टोटल अमाउंट पेड किया है, ठीक है। ऐसे ही सजल वाला जो है, सजल बॉटा ऑरेंजेस गुआवास एप्पल्स, तो सारे ऑरेंजेस सारे गुआवास सारे एप्पल्स को हमें ऐड कर देना है, उसके बाद हमें बता देना है कि सजल ने कितना अमाउंट पेड किया है, ओके। नेक्स्ट है आपका इसमें आ शॉपकीपर, क्वेश्चन हम बुक से देख लेते हैं। आ शॉपकीपर परचेस्ड अ बैग फॉर रुपीज 163.25 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 205, ठीक है। हाउ मच मनी डिड ही अर्न। एक शॉपकीपर ने 163.25 रुपीज के बैग खरीदा और 200 रुपीज का बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया, तो हमें ये बताना है कि उसने कितनी मनी अर्न की, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें इस कंडीशन में हमें सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि हमें बताना है कि इसने कितनी मनी अर्न की। शॉपकीपर परचेज अ बैग, उसने इतने रुपीज में परचेज किया और इतने रुपीज में सोल्ड आउट कर दिया। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली दोनों को माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 68। एक्सरसाइज नंबर, देखिए दोनों एक्सरसाइजेज जो है वो आपका बहुत इजी है, जैसे आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन आज तक आप करते आ रहे हैं, वैसे आपको इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, और नेक्स्ट 68 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, ठीक है। तो आपका है मल्टीप्लाई में रुपीज 14.45 बाय 8, मतलब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, 8 के टेबल से करनी है। 8 5 40, 0 आ जाएगा, 4 कैरी आ जाएगा, 8 4 32, 4 ऐड कर लेंगे 36 आ जाएगा, 3 कैरी आ जाएगा, 8 4 32 अगेन आएगा, 3 प्लस कर लेंगे 35 आ जाएगा, 8 1 8, 3 प्लस करके 11 आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 115.60 रुपीज, ठीक है। ऐसे 15 से करना है, तो ये भी आपको कॉलम में लगाकर आता ही है, इसलिए इतना आप कर लेंगे इजिली। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपका डिवाइड करना है, डिवाइड भी आप जैसे करते हैं सेम एज इट इज वैसे ही डिवाइड करना है, मुझे इसे सॉल्व कराने की नीड नहीं है, क्योंकि सॉल्व में पीछे काफी बार आपको ये एक्सरसाइजेस करा, मल्टीप्लीकेशन डिविजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन काफी बार सॉल्व कर दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें भी आपको 5 के टेबल से इसको डिवाइड करना है, 5 1 5, 1 माइनस होकर यहाँ पर आ जाएगा, और ये 3 यहाँ पर नोट कर लेंगे, 5 2 10, ठीक है। यहाँ पर 13 में से 10 माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ पर डिजिट में यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे 5। अब यहाँ पर 5 यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, 5 7 35, और ये 0 जो यहाँ पर एज अ रिमाइंडर, यहाँ पर ये जो 0, ये वाला जो 0 अगर यहाँ पर बचता है तो हमें उसे क्या करना होता है, अपने आंसर में भी प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट 11 के टेबल से है, तो 11 के टेबल से भी आप कर लेंगे,
ठीक है, 11 1 2 22, 6 माइनस होकर आ जाएगा, फिर ये 3 यहाँ पर लिख लेंगे, 11 5 55 पॉइंट, यहाँ पर माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और 8 2 नोट डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है तो हम आंसर में भी डेसिमल पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ माइनस करने के बाद 11 5 55 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 25.75। ओके।